वो बस मेहनत कर रहा था, मेहनत आपने भी किया, लेकिन यहाँ पे सही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को नहीं दे पाए। इसलिए पॉजिटिव सोचना चाहिए आप, लेकिन बहुत लोग क्या ना पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन सोचना और बकना अलग है। आपके जहन से पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, ना कि आपके जुबान से। मैं अगर बोल रहा हूँ मुझे ऑडी चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए, मुझे ऑडी कार चाहिए, ऑडी कार चाहिए, लेकिन डर है नहीं आएगा नहीं आएगा, आप बोल रहे हो पॉजिटिव, लेकिन आपके जहन में अभी भी डर है, आपके जहन में अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जो यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी लेता है वो आपके जहन से लेता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु, और आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये टर्म आप लोग सब लोग सुने होंगे लगभग कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। लॉ मतलब नियम, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, आकर्षण के नियम, ठीक है भाई। 310 वीडियोस बना चुका हूँ पिछले ढाई साल में, मतलब ढाई साल ये चैनल हो चुका है ढाई साल, लेकिन ये पहला वीडियो है एकदम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। मतलब इससे पहले आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिलेगा मेरे चैनल में, ठीक है भाई। पूरा वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं देखा हूँ मतलब बहुत लोग वीडियो इसी तरह बना दे रहे हैं व्यू के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अरे सही से मतलब तो बताओ, आप सब कैसे काम करता है वो तो बताओ। ये मैं मानता हूँ कि सही से अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियो बनाने जाऊँ तो भाई 25-30 मिनट लग जाएगा, तो कोई भी यूट्यूबर इतना नहीं बनाना चाहेगा, वो मैं भी नहीं बनाना चाहूँगा आप सब, क्योंकि लंबा वीडियो कोई देखेगा नहीं, बीच में छोड़ के चला जाएगा तो कंटेंट भी बेकार हो जाता है, आप समझ रहे हो। लेकिन फिर भी ये वीडियो साला जितना लंबा हो भाई मेरे को कोई व्यू नहीं चाहिए, ठीक है। बस रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग पूरा देखो, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। पहला वीडियो बना रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भाई, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को एकदम लाइक हो जाना चाहिए, जितना लाइक मार पाओ, 200-300 जितना जाए एकदम देखते ही लाइक मारो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यार सुनो, मैं इस वीडियो में क्लियर कट बात करूंगा, एक्स्ट्रा कोई फालतू का बात बोलूंगा नहीं, ठीक है। समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ मतलब बताया नियम, अट्रैक्शन बताया आकर्षण, ठीक है, आकर्षण के नियम, ठीक है। यार देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना कोई फॉलो करने वाली चीज नहीं है, जैसे नो कॉन्टैक्ट रूल आप फॉलो करते हो ना कि चलो आज हम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करेंगे या आज से नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करेंगे, उस तरह हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, अभी भी चल रहा है। आप अभी भी इस यूनिवर्स को कुछ ना कुछ किसी भी चीज को लेके आप फ्रीक्वेंसी अभी भी जनरेट कर रहे हो, आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हो इस यूनिवर्स को, आप समझ रहे हो। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये मत बोलना चलो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कोई चीज होता है क्या, फॉलो करना चाहिए क्या सर, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करूं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप अपने फ्रीक्वेंसी जो आप यूनिवर्स को दे रहे हो, अब वो फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है जैसा भी है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ही नेगेटिव सोचते हो तो आप पॉजिटिव सोच सकते हो, लेकिन सोच तो रहे हो ना भाई, आपसे कुछ ना कुछ किसी भी चीज को लेकर आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो, फ्रीक्वेंसी आपसे निकल रही है, इस ये यूनिवर्स आपसे ग्रैस्प कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी, आप समझो। इसलिए ये फॉलो करने वाली चीज नहीं है। अब सुनिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, मतलब तो भाई बहुत चीज बोलने का तो बहुत चीज हो सकता है, लेकिन लोग क्या समझते हैं वो सुनिएगा। लोग ये सोचते हैं कि हम किसी भी चीज के बारे में विचार करते हैं, पॉजिटिव विचार करते हैं या नेगेटिव जैसा भी, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ऐसा नहीं है, पूरी तरह से ये सही बात नहीं है, ठीक है। लोग सोचते हैं सिर्फ विचार करने से कोई भी चीज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। विचार प्लस कर्म, जो कर्मा बोलते हैं, आप समझो ना, ये लोग का मतलब जो कंक्लूजन नेट निकलता है, जो भी आप, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी निकलता है, वही हम लोग को यूनिवर्स देता है। कोई इंसान है सिर्फ नेगेटिव सोच रहा है, अरे सोच तो रहा है, विचार कर रहा है, लेकिन सिर्फ नेगेटिव सोच रहा है, नहीं मिलेगा उसको वो चीज, यूनिवर्स वो चीज देगा ही नहीं उसको, क्योंकि वो नेगेटिव है, उसका विचार नेगेटिव है। अब विचार नेगेटिव है तो कर्म भी नेगेटिव करेगा, जिसकी सोच घटिया है वो अच्छा काम कभी कर ही नहीं सकता, आप समझ रहे हो, ठीक है भाई। जो भी वीडियो बनाते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा टेरिटरी डर ये वो, सबका अपना धंधा चल रहा है, चलने दो, ठीक है। लेकिन आप लोग भाई सारे टैरेट रीडर भी सही नहीं बोल रहे हैं, वो लोग सिर्फ कार्ड पलट दो, ये पलट दो, पार्टनर आ जाए, घंटा, लॉजिक बताइए, आज ये रीडिंग हुई, अरे वो रीडिंग का वो तो बताओ, प्रूफ तो बताओ,
हवा में भाई मेरे कितने क्लाइंट जो कॉल बुक करते हैं वो भाई फंस जाते हैं टेरिटरी डर में। अरे भाई कुछ टेरिटरी डर सही भी है लेकिन अधिकतर भाई एकदम साला आपको चुतिया बना रहे, कार्ड पलट दो, आपका पार्टनर दूसरे के साथ घूम रहा है। अरे कौन सा सीसीटीवी कैमरा में आप देख लियो, ये रीडिंग आ रही है, ठीक है 369 फॉर्मूला, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, आपका पार्टनर नहीं आएगा, आप बताओ नहीं आएगा, डिप्रेशन में डाल दियो है। कम से कम साला हम लोग अच्छा है भाई जो एकदम भाई एकदम मतलब लॉजिकल बात बोलते हैं। कौन सा टेरिटरी रीडर आपको बोल देगा कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो और पार्टनर एटीट्यूड दिखा रहे हो तो उसका बर्थडे विश मत करना, वो हम लोग बोलेंगे। हम लोग सेल्फ ग्रो पे बात करते हैं कि ये करो नौकरी चाकरी लो, ठीक है अगर किसी को अट्रैक्ट करना ये करो, आप समझ रहे हो, मिसगाइड मत होइए आप लोग है। सिर्फ विचार करने से नहीं होता है भाई, आप कर्म करोगे तभी। अच्छा अच्छा मैं ऐसे बैठा हूं, ठीक है पार्टनर ब्रेकअप करके चला गया, ठीक है अब मैं क्या विचार करूं कि पार्टनर आ जाए, बताओ मैं ऐसे बैठा हूं बताओ क्या विचार करूं जो पार्टनर आ जाए, घंटा कभी नहीं आने वाला है, समझ रहे हो भाई। इस तरह तो ऑडी कार चाहिए मान लो मुझे, ठीक है ऑडी कार आ जाए, मैं इस यूनिवर्स को ऑडी कार वाला फ्रीक्वेंसी जेनरेट कर रहा हूं, मुझे कब ऑडी मिलेगा, 7 जन्म बाद मिलेगा। सिर्फ सोचने से नहीं होता है आप समझ रहे हो, कर्म भी करना होता है। मैं क्यों बोलता हूं कि अगर पार्टनर को चाहिए तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल आपने ये कर्म है। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या है, साइलेंट रहना क्या है, ये सब एक एक्शन है। आप पॉजिटिव तो सोच ही रहे हो, वो तो भाई चलो बाय डिफॉल्ट भी है कि मुझे पार्टनर चाहिए तो एक पॉजिटिव रह रहा हूं, ठीक है। अब इसमें भी कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं, यार पार्टनर आएगा कि नहीं, दूसरे के साथ वो घपा घप तो नहीं कर लेगा, ये वो, तो ये नेगेटिव आप जनरेट कर रहे हो। इसलिए मैं बोलता हूँ ये सब मत सोचो, ऐसे सोचो कि यार पार्टनर आएगा, टाइम लगेगा, ठीक है मैं पॉजिटिव रहता हूँ पार्टनर आएगा, ऐसा करो। आप मैनिफेस्ट भी करो, मैनिफेस्ट क्या है, आप कुछ एक एक्सप्रेस कर रहे हो, मतलब कि कुछ एक किसी भी चीज को लेके आप सोच रहे हो, ख्याल कर रहे हो, किसी भी चीज को पाना है, ये बिना वर्डिंग्स के आप मन में वो सर्कुलेट कर रहे हो, ये यूनिवर्स को एक सिग्नल दे रहे हो कि मतलब मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, तो ये यानी कि एक पॉजिटिव है। नेगेटिव भी मैनिफेस्ट होता है, आएगा कि नहीं भगवान वो दूसरे के साथ, तो अरे भाई आपका फ्रीक्वेंसी फिर नेगेटिव जा रहा है, आप समझ रहे हो। तो सोचिए लेकिन काम भी कीजिए, ठीक है बिना एक्शन का आप सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ थॉट अपने पार्टनर को ले आओगे, नहीं होगा, ठीक है। आप सुनिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, सुनिएगा। हम मेरा पार्टनर मान लो मेरे से नाराज है, ठीक है ब्रेकअप मान लो हो गया या नहीं भी हुआ लेकिन अभी अच्छा नहीं चल रहा है, या मान लो पार्टनर को ही वापस लाना है, ठीक है अब मैं सिर्फ सोचूंगा पार्टनर आएगा आएगा आएगा, मान लो पॉजिटिव वाइब्स है, पॉजिटिव आप फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हो, लेकिन ये भी तो देखो कि बैठे बैठे सोचने से आएगा क्या। मान लो चलो आप कर्म भी कर रहे हो, ठीक है मान लो कि कुछ अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हो, ठीक है ताकि मेरा पार्टनर इंस्टा पे मेरा प्रोफाइल फोटो देखे या कोई पोस्ट देखे और देखे ओ माय गॉड इसकी तो जॉब लग गई, ये तो इसका तो डीपी चेंज हो गया, ओ माय गॉड ये तो कंपनी में बॉस के साथ बैठा है, यानी कि आपने काम भी किया। लेकिन बहुत तो बोलेंगे कि सर मैं इतना मेरा कर्म भी पॉजिटिव है, ठीक है थॉट भी पॉजिटिव है, फिर भी पार्टनर क्यों नहीं आता। आप सुनिएगा हो सकता है कि आप जिस तरह चाह रहे हो कि मेरा पार्टनर आ जाए तो भाई आपका पार्टनर भी ये मना रहा होगा कि मैं ना आऊं, आप समझ रहे हो, मैं ना आऊं उसका भी तो फ्रीक्वेंसी है, आपका पार्टनर भी तो यूनिवर्स को फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। हो सकता है आपका पार्टनर का बाबूजी, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड का फैमिली मेंबर्स नहीं चाह रहा है कि आप उसके लाइफ में आओ, यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी इतना ही इतना सा इस यूनिवर्स को दिए आप इस फ्रीक्वेंसी, लेकिन उस लड़की का पूरा खानदान का फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा यूनिवर्स को गया, इसलिए यूनिवर्स उसी लोग का मैनिफेस्टेशन को पूरा किया। अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है भाई, आप सब क्वांटिटी क्वालिटी दोनों पे बिलीव करता है, सुनिएगा बड़ा टेक्निकल चीज है भाई। एक चीज बताओ, मान लो कि क्लास में जैसे कि मुझे फर्स्ट होना है, ठीक है सब बच्चों में फर्स्ट होना है, ठीक है लेकिन मैं फर्स्ट नहीं हो पाया, सेकंड हुआ। अब मैं बोलूंगा यार क्या हो गया, यहाँ पे दो चीज हो सकता है। हो सकता है मैं बार बार सोच रहा था फर्स्ट आऊंगा फर्स्ट आऊंगा फर्स्ट आऊंगा फर्स्ट आऊंगा, ठीक है ज्यादा बोलना भी नहीं है, ठीक है ज्यादा बोलने से कहीं ना कहीं अंदर एक डर भी था कि फर्स्ट नहीं आया तो ये डर जो आपका मन में आया ये कहीं ना कहीं नेगेटिव भी कर दिया, तो आपसे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी भी जनरेट हो गया, इस फ्रीक्वेंसी ने उस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को भी ग्रेस्प कर लिया। लेकिन जो रियल में फर्स्ट आया वो कम सोचता था कि फर्स्ट आना है फर्स्ट आना, वो बस मेहनत कर रहा था, मेहनत आपने भी किया लेकिन यहाँ पे
सही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को नहीं दे पाए। इसलिए पॉजिटिव सोचना चाहिए आप, लेकिन बहुत लोग क्या ना पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन सोचना और बकना अलग है। आपके जहन से पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, ना कि आपके जुबान से। मैं अगर बोल रहा हूँ मुझे ऑडी चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए, मुझे ऑडी कार चाहिए, ऑडी कार चाहिए, लेकिन डर है नहीं आएगा नहीं आएगा, आप बोल रहे हो पॉजिटिव, लेकिन आपके जहन में अभी भी डर है, आपके जहन में अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जो यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी लेता है वो आपके जहन से लेता है, वो आपके इंटरनल जो भी चल रहा है उससे लेता है, आपके बोलने से नहीं होता है। मैं भगवान जो हम लोग वो प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, भाई ये भी सच है। आप किसी भी रिलीजन के हो, अगर आप सही से दुआ करने आता है तो वो चीज आपको मिलेगा। लेकिन हम लोग दुआ कैसे करते हैं सुनिएगा, हे भगवान प्लीज इस बार परीक्षा में पास करा देना, लेकिन आप फेल हो जाते हो। बोलिए क्यों? आप भगवान को दोष देने लगते हो, भगवान आप फेल करा दिए, भगवान ने कुछ नहीं किया, आपका गलती है। सुनिए, आप जो भगवान को ऐसे बोले, हे भगवान, या यूनिवर्स को जो थैंक यू यूनिवर्स करते हो, ठीक है, आप यूनिवर्स को, प्रकृति भी भगवान, आप मान लो प्रकृति को, ठीक है, या किसी भी आपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी आपके भगवान है, ठीक है, उसको ऐसे बोलते हो, हे भगवान प्लीज प्लीज मुझे मेरा गर्लफ्रेंड वापस चाहिए प्लीज, लेकिन आप कर्म ही नहीं कर रहे हो, या पास्ट में आप बहुत ही गलती कर चुके हो। मान लो आप अपने पार्टनर को बहुत ही गंदा गंदा गाली दिए थे, तो आपने कर्मा बहुत ही घटिया किया, ठीक है, कर्मा इतना घटिया किया कि वो इतना नेगेटिव कर्म हो गया कि यूनिवर्स को नेगेटिव ही फ्रीक्वेंसी आपसे मिल रहा है। तो सोचो कितना पॉजिटिव थॉट और कितना पॉजिटिव एक्शन करना होगा, तब जाके आपका पार्टनर आएगा। हम लोग जो भगवान को या किसी को दोष दे देते हैं, भगवान आपने कुछ नहीं किया, अरे भगवान सही थे, हमने सही से दुआ नहीं किया, हमने अपना कर्म सही से नहीं किया, हम अच्छा सोच नहीं पाए। आप समझो क्यों नो कॉन्टैक्ट रूल में पार्टनर अधिकतर के आते हैं, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल में आप खुद पे काम करते हो। नो कॉन्टैक्ट रूल भी एक तरह का कर्मा है, मतलब आप किसी से कट जा रहे हो, यह भी तो एक तरह का एक्शन है, आप खुद से कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है ना, नो कॉन्टैक्ट रूल में क्या होता है, आप कट जा रहे हो, खुद पे काम कर रहे हो, खुद पे पढ़ाई लिखाई पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, जितना अपने आपको ग्रो कर पा रहे हो, लुक्स पे काम कर रहे हो, तो ये क्या है, आप कर्म पॉजिटिव करो, आप अच्छा सोच रहे हो, इसलिए पार्टनर आ जाता है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल मैंने ही तो फॉलो किया लेकिन आया नहीं, वो इसलिए मेरे दोस्त सुनिएगा, सबसे पहले ये हो सकता है कि आप ढंग से नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं किए, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के दौरान आप बहुत ही नेगेटिव थे, आप हमेशा डरते थे, तो फ्रीक्वेंसी को सही वाइब्स नहीं आया, फ्रीक्वेंसी को आपने सही फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं किया, ठीक है, जनरेट किया लेकिन नेगेटिव ज़्यादा किया, तो यूनिवर्स कन्फ्यूज हो गया कि आपको असल में चाहिए क्या, आप समझो। या फिर यह भी हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत ज्यादा घटिया कर्म किया जो अभी बैलेंस होने में टाइम लगेगा, ठीक है, आपने इतना घटिया काम किया पास्ट में, मतलब ठीक है, हो सकता है आपने अपने पार्टनर को चीट किया होगा या गाली गलौज दिया या उसके सेंटीमेंट को हर्ट किया, तो ये एक नेगेटिव कर्म है, ठीक है। तो पास्ट में हो सकता है आपने बहुत ज्यादा नेगेटिव काम किया जिसका रिकवरी अभी तक हो रहा है, ठीक है। क्यों किसी का 2 महीने में 2 हफ्ते का नो कॉन्टैक्ट में पार्टनर आ जा रहा है, लेकिन कुछ लोग का 2 महीने लग जा रहे हैं, कुछ लोग का 2 साल भी लग जा रहा है, क्यों भाई? कितना भी लॉजिक लगाओ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही एक्यूरेट है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आपके सोच से आपके कर्म से ये एकदम बैलेंस है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं सर मैं खुद पे काम किया, आपने बोला था ना सर कि मेरी बंदी तब आएगी जब मेरी नौकरी लग जाएगी, सर नौकरी भी लगी लेकिन बंदी तो आई नहीं, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी हो सकता है आपका नौकरी लगा तो आप उतना बंदी के बारे में सोचना भूल गए, ठीक है, आप नौकरी लगा आपको तो आपको और भी लड़कियां अप्रोच करने लगी, तो आपका पार्टिकुलरली उस लड़की के लिए फ्रीक्वेंसी जनरेट होना बंद हो गया, आप और भी लड़की की तरफ ध्यान देने लगे, या आपको फिर लगा हटाओ यार कैरियर बन ही गया है, ठीक है, माँ बाप को सेवा करो और भी कैरियर को उठाओ, तो आप जो सोच था आपका वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो एक जो एक होता नहीं एक पार्टिकुलरली किसी एक पार्टनर के लिए जा रहा था वो आपका फ्रीक्वेंसी और लोगों के लिए जाने लगा। देखो भाई कितना भी कमेंट सेक्शन में कितना भी लिखना, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है ये है, तो मेरा भी पार्टनर, मैं इतना सोची मेरा पार्टनर, कितना भी लॉजिक लगा लो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के खिलाफ सवाल उठा ही नहीं सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही बैलेंस्ड है।
आप कितना ही बोलोगे ना मैं पॉजिटिव था, ये था, पार्टनर नहीं आया, अरे भाई किसने बोल दिया पॉजिटिव था, ये कैसे प्रूव होगा पॉजिटिव था? क्या पता आप बहुत ही डरे हुए थे। मैंने क्या बोला, आपके आपका जहन पॉजिटिव होना चाहिए, समझ रहे हो, आपका जहन पॉजिटिव होना चाहिए। और एक और चीज मैं बोल रहा हूँ जाते जाते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्ट करना, भाई वही करते हैं जिनके पास क्वालिटी या वो एसेट नहीं है किसी भी चीज को पाने के लिए। सुनिएगा, क्वालिटी मतलब वो नहीं बोल रहा आपका नेचर घटिया, सुनिएगा बहुत ही टेक्निकल चीज है। मोमोज, मुंबई में मैं रहता हूँ, मोमोज इधर 100 रुपए प्लेट मिलता है, 8 पीस देता है 100 रुपए, ठीक है। अब इतना तो अच्छा खासा ठीक ठाक कमाता ही हूँ भाई, ठीक है, कि 100 रुपए का मोमोज मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे वो करने की जरूरत नहीं कि यूनिवर्स प्लीज आई वॉन्ट मोमोज, ठीक है, प्लीज प्रोवाइड मी मोमोज, ये करने की जरूरत नहीं है। 100 रुपए है, जाके दुकान से मोमोज एकदम मस्त, ठीक है, मियोनीज के साथ मस्त खा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कोई गरीब जिसके पास 100 रुपए बहुत बड़ी चीज है, 100 रुपए भी नहीं है, उसको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, हे भगवान यूनिवर्स प्लीज गिव मी मोमोज, ठीक है, हे कुदरत मुझे प्लीज मोमोज खाना है। वो एक हफ्ता 10 दिन पूरा सोचेगा मोमोज कब मिलेगा, मोमोज कब मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बंदा एफर्ट नहीं कर पा रहा है, उतना उसके पास एसेट नहीं है ताकि वो चीज ले पाए, आप समझ रहे हो भाई। तो हम लोग मैनिफेस्ट वही चीज करते हैं, ठीक है, जो चीज के लिए हम लोग के पास एसेट नहीं है, वो चीज है नहीं जिससे वो चीज मिल जाए, इसलिए मैनिफेस्ट करते हैं। जो रोटी सब्जी दिन भर खा रहे हो, हम लोग जो खाना खा रहे हैं, ये हम लोग, ये भी कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आ रहा है। लेकिन हम लोग रोटी चावल तक खरीद सकते हैं, हम लोग के पापा मम्मी जो हम लोग को खाना खिला रहे हैं, या हम आप ही लोग जो खाना खा रहे हो, तो रोटी सब्जी या मान लो कि एक बाइक का तेल भराने का पैसा इतना एफर्ट कर रहे हैं, इसके लिए अलग से मैनिफेस्ट करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन आप क्यों ऐसे स्पेशली पार्टनर पाने के लिए क्यों मैनिफेस्टेशन करते हो? क्योंकि उसके लिए प्रॉपर हम लोग पास वो चीज़ है नहीं, वो क्वालिटी अभी कहीं ना कहीं कम हो रही है, वो बात अभी नहीं है जिससे पार्टनर आ जाए। इसलिए हम लोग नेचर से हेल्प मांगते हैं स्पेशली कि हे यूनिवर्स प्लीज आई वांट माय पार्टनर, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, प्लीज मेक माय पार्टनर बैक, आप समझ रहे हो, इस टाइप का आप लोग जो मैनिफेस्ट करते हो। क्यों? क्योंकि हम लोग पास वो एसेट वो क्वालिटी अभी है नहीं। क्यों? देखो 12 रुपये का मैगी खरीदने, 24 रुपये का मैगी खरीदने के लिए आपको मैनिफेस्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लाखों रुपए करोड़ों रुपए का गाड़ी खरीदने के लिए आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 24 रुपया का मैं जो मैगी खरीदे उसके लिए काफ़ी आपके पास एसेट था, 24 रुपया तो जेब में रहता है भाई, लेकिन वो मान लो 24 लाख का गाड़ी खरीदने में फट जाएगी। इसलिए हम लोग मैनिफेस्ट भी उसी चीज़ का करते हैं जो हम लोग के औकात से बाहर की चीज़ होती है। अभी आप पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि पार्टनर आपके औकात से बाहर की चीज़ है, यही सत्य है भाई, कितना भी वीडियोस देख लो, ठीक है, जो मैं बोला हूँ वही बात सच है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो एकदम लाइक मारिए, बहुत अच्छे से बताया भाई, ठीक है, एकदम लाइक मारिए। और आप लोग अगर चाहते हो कि आगे भी मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियो बनाओ तो भाई कमेंट में पूरा भर दो, लिख लिख के कि हाँ मुझे चाहिए, और जो भी आपके सवाल है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मेरे से अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लव टिप्स लेना चाहते हो, दिमाग खराब हो रहा है प्यार मोहब्बत में, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, डायरेक्ट कॉल कोई मत करना, कोई नहीं उठाएगा यार, ठीक है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, ठीक है, पे कीजिए, मैं 1 घंटा बात करता हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, चलो बाय।